भूपेंद्र तो मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में ऐसा सांसद नहीं मिलेगा। पिछली बार बैग गए थे या रोहतक वाले बैग गए थे पुलवामा के चक्रा में, देशभक्ति के चक्रा में, 36 बिरादरी सभी मिलके थे, भूपेंद्र हुड्डा को भारी बहुमत से विजय बनाने जा रहे हैं। आप इलेक्शन लड़ा बीजेपी राम राम सारे ने मैं उतर गया कुसुम गोए तो इस टाइम में रोहतक में हूँ। तो भैया तीन चार अंकल खड़े थे आपस में बहसबाजी कर रहे थे, फलाना जीतेगा फलाना आ रहेगा नू करेंगे। तो फिलहाल वही इंटर राय जानेंगे कि भैया किसने जिताओगे, क्यों जिताओगे, काम कौन कर सका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव ने थोड़े दिन बाकी है। बिल्कुल राम राम अंकल जी। नमस्कार जी। राम राम। ठीक सो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जो वहाँ बहसबाजी कर रहे थे वो जीतेगा वो हारेगा वो रोड़ा कर गया नू के बात चल रही है। अब की बार ज्यादा बहस की तो बात नहीं है, अब की बार तो हम किसी से बात कर ले एक ही तरफा माहौल है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। अच्छा दीपेंद्र क्यों ना गया? दीपेंद्र तो मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में ऐसा सांसद नहीं मिलेगा। अच्छा इतना शरीफ इतना काम करने वाला दीपेंद्र ने तो इतने काम करवा दिए कि आदमी वही कह रहा है रोड इतने बनवा दिए चढ़ी लगती है बीजेपी वालों से। या बात हम पाछे भी कहो थे, हम भी पिछली बार बैग गए थे या रोहतक वाले बैग गए थे पुलवामा के चक्रा में, देशभक्ति के चक्रा में। अच्छा, अच्छा। इनसे गलती हुई है, गलती करने वाले में हमारे भी साथी थे, हमारे परिवार थे, लेकिन अब सबके दिमाग में एक चीज आ रही है हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि जो सोच के मोदी को वोट दिया था मोदी ने इस तरह कोई काम नहीं कराया, भाईचारे को लड़ाने का काम कराया है। अब 36 बिरादरी सभी मिलकर दीपेंद्र हुड्डा को भारी बहुमत से विजय बनाने जा रहे हैं। अच्छा और जो पाँच छह गड़बड़ रह गई थी वाके कान लग रहे थे तम गड़बड़ तो ये रह गई थी भाई बतरा रहे थे। हाँ हाँ 7500 वोटा का डिफरेंस था, सुबह 4 बजे डिक्लेयर कराया है दीपेंद्र जी नरम आदमी है, इनको वो बात दोनों हाथों में लड्डू दे झगड़ा करेंगे। तो बीजेपी तो हम तो 400 पार करेंगे इनकी बार। 400 पार कहाँ से हो गए जी, कहाँ से बद रहे हैं आप? हरियाणा में लगा लो, हरियाणा में नहीं हो रही 4 पार तो 400 पार कहाँ से होगी? पूरी पूरी सीट राजस्थान में 25 में 25 आ गई, दिल्ली की 7 आ गई, हिमाचल आ गई, छत्तीसगढ़ आ गई, मध्य प्रदेश आ गई, आपका बिहार आ गया, यूपी ना वो आ गया, यूपी आ गई, हर जगह पूरी पूरी सीटें बढ़ाएंगे, कहाँ से घटेंगी? अच्छा जी। हाँ जी एंटी बहुत काम करवाए, इतने सारे रोजगार दे दिए छोरे छोरी, हाँ इतने काम दे दिए जी, सारे चपला में ले दिए, घने रोजगार दे दिए, जूते मांडा करते, तीन तीन टाइम लत्ते बदलिया करते, कांग्रेस के राज में बढ़िया कमा बढ़िया खा सोया करते, शांत नहीं करते, 20-50 लाख की जरूरत है जब हाल जाहिर दे, अरे 1 लाख रुपया किसी तो मांग लिया ना, 5-4 दिन लाग जा कट्ठे करने में, कुछ देगा को भी फिर भी कट्ठे ना होते, इतना मुंडा काम हो रहा है। तो ऐसा क्या है दीपेंद्र में जो वो काम कर देगा या नहीं, विश्वास किस तरह उन पर? दीपेंद्र को नया थोड़ी है, दीपेंद्र तो काम करके दिखा रखे हैं पहले, दीपेंद्र से ये थोड़ी देखा करेगा ना करेगा। दीपेंद्र ने तो इतना भूडा चमका रखा रोहतक के पूरे हरियाणा में चमका रखा, मतलब अपनी देसी भाषा में एंडी, इतना एंडी चमका रखा उसका मुकाबला ही नहीं है। देखो लेट गई ना अंधेरे में मन चमक्या कर, इतना चलना रहा अर्धा दिन हाले कड़े रहा अर्धा रात ने भी। अच्छा अंकल जी राम राम, आप के कहोगे अड़े के होके ना? वैसे तो मैं शहर से हूँ जी। शहर में के माहौल चल रहा है आपने के लग गए? शहर में तो बहुत बढ़िया माहौल है जी, शहर में तो जेपी का माहौल है, जुड़े जेपी का वो कांग्रेस का है जी। और उड़े जयप्रकाश नाम से है, देखो मारी तो इसलिए मनदीप को जयप्रकाश के लिए। अच्छा मारा तो मेरा तो उड़े नरवाना इलेक्शन में उसके लिए रोड़ा भी हो गया था छणू में, चुटाला साहब गला जे गला था। अच्छा लेकिन मारा भी कला जे वाली पार्टी भी जी चुटाला साहब वाली ने लोर दे जेपी सारी चौथे नंबर दे रही जी। अच्छा रणजीत चौधरी साहब भी पीछे गए जी, पीछे गए कल तो सारा सब की पब्लिक है ना उधर है शारगणी नू को आप इलेक्शन लड़ा जेपी जेपी हम नू कह जा रहा है क्या हो गया जेपी में इपकाली साहब बोला ना भाई देखे जाओगी इपकाल तो इसने मनावांगे। अच्छा वहां पे बीजेपी बोले बीजेपी ने तो यार सबके मार गया मजदूर किसान सबके में देखा को नहीं जी पाछ है। अच्छा किसी को मजदूर पर की मजदूरी नहीं नंदा, दुकानदार व्यापार व्यापारी का व्यापार खो दिया। आप जो कहते मेरी बंदी को नहीं जेपी गला, जेपी गला बंदी फिर भी इतनी बढ़ाई लग रहे करे। मैं तो नू को जी देख नू बताऊं कांग्रेस का आजकल माहौल मर गया पूरा। ठीक मारा तो शाह तन को है मतलब शहर सरसा अंबाला नू ने बयानी रोते के सोनीपत ये सारी सीट पे लाके उसकी आऊंगी कांग्रेस की। अच्छा अंकल जी के राय दोगे आप, किसने जिताना पसंद करो? हम तो दीपेंद्र के भगत हैं। दीपेंद्र अच्छा सारे हिंदुस्तान में सीधा MP नहीं मिलेगा। अच्छा इतना पसंद आपने? इतना पसंद जनू घर ठाके ले जाऊं घर क्या करेंगे, पर ये सेवा करनी है मैंने सारा आदमी है बीजेपी वाला में घमंड है ये तो नशा ही राज करना चाहते है ऐसे नहीं वैसे मिल गया था यो भाई असारता रहता प्रधान जी थे दीपक कुंडू
चलो भाई फिलहाल चलो भाई फिलहाल देखो इनकी बहस बात जिसकी राम राम अंकल जी ठीक सो बहुत बढ़िया जी क्या लगा अपने माहौल किसा लगा जबरदस्त माहौल सारे दीपेंद्र दीपेंद्र क्यों कहे दीपेंद्र तो अच्छा है कि ये बता बीजेपी ने करया के जात पात की राजनीति के लिए अच्छा और जो 10 साल राज करया फिर इस युद्ध को कर बन गए थे फिर ये तो धोखा दड़िए जात पात का लड़ाई झगड़े का ये करना रही अच्छा नुकाई की बात जाट नॉन जाट कर रहा था क्या कुछ ना 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 ये तो 36 बिरादरी है दीपेंद्र के 36 बिरादरी है अच्छा 400 पार का नारा ये तो कहां तक मिल लगा ये तो बताओ ना अच्छा कांग्रेस में 3-4 विधायक जो निर्दलीय वो शामिल हुए हैं है ना वो आजाद कह लो से शनि मैडम आई है हां लगातार मतलब कोई ना कोई शामिल हो ही है जीत जाए तो होती है ना और सरकार आ रही है ये एक मेन मुद्दा होता है अगर दूसरी तरफ के विधायक अच्छा ये तो शामिल हो रहे आप नुको हो कि भाई आ रही है जो बीजेपी आए नुको है कि भाई उन्ना उड़ा तो ज्यादा मतलब कुछ मिल रहा है बीजेपी का तो ये देखो ना मैडम जो बोल लगा उसका इड्डी अच्छा। उसके कोई भी हो अच्छा। कितना दागदार हो उसमें बीजेपी में जाते हैं वो कति नॉर्मल हो जाएगा ये भी फिलहाल अपना आप रोहतक तक कितना हो आप ना मैं रोहतक गांव में मैडम अपना ऐसे मैं रोहतक लोकसभा में है रोहतक में है कि में विकास हो रहा है बीजेपी का राज ना ना कोई विकास नहीं कुछ नहीं कदे गम नहीं गर्मी शर्मा दे अच्छा हां और जो कांग्रेस का राज में के हो रहा है कांग्रेस के मतलब दीपेंद्र घर घर जाया करता अच्छा हर चीज पर एक एक चीज की हर चीज की सुविधा थी मैडम अच्छा जी हां ठीक है कितने वोटा तो लागू जीत जाएंगे कम से कम 2-3 लाख वोटा का सिस्टम जीत जाएंगे हाँ जी जबरदस्त चलो भाई फिलहाल देखो दीपेंद्र हुड्डा के फैन है ये तो फिलहाल देखो जो जिसका फैन हो अगर उसने जिताना ही पसंद करे अच्छा फैन से अपोजिशन ने पूछोगे ना फैन नहीं एक अच्छे आदमी की अच्छी ये बात कहनी चाहिए बहुत जबरदस्त पूरे हिंदुस्तान में नहीं है इसका तगड़ा अच्छा चलो भाई वीडियो शेयर कर दियो और तब ने कोई के लागर रोहतक लोकसभा तक कौन सा जीतेगा कौन सा बाजी मारेगा तो हमने कमेंट में बता दियो मैं फिर मिलूंगी दूसरी वीडियो के लिए तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत राम राम।